हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। अब 12वीं कक्षा तक सभी भारतीय भाषाओं में होगी CBSE की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की तरफ से 21 जुलाई को जारी एक नोटिस पे CBSE स्कूलों को प्री प्राइमरी से 12वीं क्लास तक अपने यहाँ मौजूद सुविधाओं को देखते हुए अल्टरनेट मीडियम के तौर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का विकल्प दिया है। बता दें कि CBSE बोर्ड ने केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओडिशा आदर्श विद्यालय, सैनिक विद्यालय सोसाइटी समेत अन्य सहयोगी संगठनों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस पत्र के मुताबिक वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करवा सकते हैं। इधर शिक्षा मंत्रालय ने NCERT को 22 अनुसूचित भाषाओं में नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का निर्देश दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पुस्तकें अगले सत्र से उपलब्ध हो सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के इस कदम की सराहना करते हुए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अपने सभी विद्यालयों में बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए CBSE को बधाई देता हूं। ओप्पो वीवो समेत चीनी मोबाइल कंपनियों ने की टैक्स चोरी, लगाई 9000 करोड़ रुपए की चपत। सरकार ने 1629 करोड़ रुपए वसूले। ओप्पो मोबाइल, वीवो इंडिया और शाओमी टेक्नोलॉजी समेत चीनी स्मार्टफोन विनिर्माताओं को भारत में 9000 करोड़ रुपए की कर चोरी करते हुए पाया गया। संसद को इसकी जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के राज्यसभा में सवालों के लिखित उत्तर में कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच सीमा शुल्क और GST समेत लगभग 9000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है। सरकार ने इस दौरान कंपनियों से 1629 करोड़ रुपए की वसूली की है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5086 करोड़ रुपए की कर चोरी करते हुए पाया गया, जिसमें सीमा शुल्क के रूप में 4403 करोड़ रुपए और GST मद में 683 करोड़ रुपए शामिल है। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, जब तक सांस चलेगी बोलूंगा, CM के पैर में पट्टी बंधी है। खबर है कि राजस्थान के मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी बर्खास्तगी को लेकर वे विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 1-to-1 जवाब मांगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए गुढ़ा ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है। यही नहीं, CM तो हाउस में आते ही नहीं है और न ही जवाब देते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बोलता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। गुढ़ा ने आगे कहा कि CM के पैरों में पट्टी बंधी है। गृह विभाग अगर किसी काबिल आदमी के पास होता तो काम होता। बेटियों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। ये बात मैं नहीं, खुद अपराध के आंकड़े बोल रहे हैं। प्रदेश के हालात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात खराब हो रहे हैं। पुलिस मंथली ले रही है, खुलेआम अवैध तरीके से शराब बिक रही है। पुलिस शराब के रूट एस्कॉर्ट कर रही है। आपको बता दें कि गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरबा में झांकना चाहिए, हम महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल हुए हैं। गुढ़ा के इस बयान के बाद से ही राजस्थान की राजनीति गर्मा गई थी। राजस्थान विधानसभा में गुढ़ा के इस बयान का BJP ने समर्थन किया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों को हटाए जाने का रेलवे का नोटिस, 15 दिन का दिया गया समय। खबर है कि दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों, बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। हटाने के लिए रेलवे ने 15 दिन का समय दिया है। रेलवे के मुताबिक दोनों मस्जिद रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बना दिए गए हैं। बता दें कि वही मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन रेलवे के मुताबिक ये उनकी जमीन पर बनी है। नोटिस जारी होने के बाद से ही स्थानीय लोगों में
गहमा गहमी बनी हुई है। मस्जिद कमेटी की तरफ से इसके समर्थक भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये मस्जिद रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से बना हुआ है। रेलवे ने दोनों मस्जिदों को 15 दिनों के अंदर हटाने का नोटिस दिया है। 45 दिनों के अंदर वापस होने जा रहा है सहारा में फंसा हुआ आपका पैसा। 5 लाख लोगों ने किया अब तक रजिस्टर। खबर है कि देश भर में करीब 10 करोड़ लोगों का सहारा में पैसा वापस मिलने जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल पर अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल पर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद जैसी योजनाओं में जिन्होंने निवेश किया है उन्हें अप्लाई करने के 45 दिनों के अंदर पैसा वापस मिलेगा। व्हाट्सएप का नया फीचर, यूजर्स अब 15 सदस्यों के साथ सेटअप कर सकेंगे ग्रुप कॉल। खबर है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया कॉल फीचर रोल आउट कर रही है। बता दें कि इस नए फीचर के तहत यूजर्स किसी ग्रुप में कॉल शुरू करते समय 15 सदस्यों को चुन सकते हैं। इस फीचर के आने से पहले यूजर्स किसी ग्रुप में कॉल शुरू करते समय केवल 7 सदस्यों को ही चुन सकते थे। बता दें कि किसी ग्रुप कॉल में यूजर्स अधिकतम 32 लोगों को जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नए ग्रुप कॉल फीचर को फिलहाल iOS के बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है, लेकिन कंपनी जल्द ही अपने सभी यूजर्स के लिए यह फीचर रोल आउट करेगी। इस फीचर का उद्देश्य सभी यूजर्स के लिए ग्रुप कॉल सेटअप के दौरान अधिक सदस्यों को चुनने से पहले अधिक सुविधाजनक बनाना है। कंपनी iOS के साथ साथ एंड्रॉयड के बीटा यूजर्स के लिए भी इस ग्रुप कॉल फीचर को रोल आउट कर रही है। दिल्ली पर फिर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आया। खबर है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि शुक्रवार देर रात यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। बता दें कि पुराने लोहे के पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया, जिससे यमुना के आसपास रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह को यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान के नीचे पहुंचा था, लेकिन रात को 8 बजे के बाद यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बाढ़ प्रभावित लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में ठहरे हैं। 3 रुपए का पानी और 20 रुपए का खाना, अब IRCTC देगा पैसेंजर को क्वालिटी और वैरायटी। खबर है कि अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अच्छी पहल की है। अब सामान्य यानी कि जनरल कोच के यात्रियों को कुछ चिन्हित स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कम दामों में खाना और पानी की सुविधा दी जाएगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के मुताबिक यह सुविधा खास तौर पर जनरल कोच के लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है और ये जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी शुरू की जाएगी। फिलहाल यह सुविधा जयपुर, मथुरा, धनबाद, बिलासपुर, नागपुर, मुंबई सेंट्रल जैसे 50 से अधिक स्टेशन पर शुरू कर दी गई है। मेन्यू की अगर खाने में बात करें तो आपको केवल 20 रुपए में 7 पूड़ियां, आलू की सब्जी, अचार मिलेगा और 50 रुपए में आपको राजमा चावल, छोले कुचले, मसाला डोसा, पाव भाजी, खिचड़ी जैसे कॉम्बो आसानी से मिल जाएंगे। अमेरिका में पहली बार महिला बनेगी नौसेना प्रमुख, बाइडेन ने किया ये ऐलान। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी महिला अफसर को नौसेना की कमान मिलने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में एडमिरल लीजा फ्रांचेटी को नॉमिनेट किया है। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे देती है तो वह अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी। फ्रांचेटी अभी नौसेना की उप प्रमुख हैं। वो 1985 में नौसेना में शामिल हुई थी। एडमिरल लीजा फ्रांचेटी ने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की कमान भी संभाली है, जिसके बाद वो सितंबर 2022 में नौसेना की उप प्रमुख बनी थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने एडमिरल लीजा के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारी अगली नौसेना चीफ एडमिरल लीजा फ्रांचेटी बनेंगी। आगे बाइडेन ने कहा कि 38 साल की एडमिरल लीजा कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान करेंगी।
रोजगार मेले में 70,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हुए शामिल। खबर है कि पीएम मोदी ने 70,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। केंद्र की तरफ से जारी रोजगार मेला का ये 7वां संस्मरण था, जिसने देश के 44 स्थानों पर अपना कार्यक्रम आयोजित किया है। अभी तक 4,33,000 से अधिक युवाओं को इस रोजगार मेले के तहत नौकरी मिली है। इस रोजगार मेले के अवसर पर केंद्र सरकार के 13 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। बता दें कि इस रोजगार मेले के जरिए पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में आप सबको सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना बहुत सम्मान की बात है। इस देश के लोगों ने भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे पीएम ने कहा कि आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 9 साल से पहले देश में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसे बर्बादी होती है, कैसे विनाश होता है, इसके कई उदाहरण देश में मौजूद हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवा कर जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।